लड़की हो, चलो बाहर आ जाओ। चलो भाई जाओ, अपनी अपनी जगह जाके संभाल। आज सब कुछ छोड़ दे, तू ही चलना मेरे साथ। अरे चल जा, जा चल ना। अरे जा ना, क्यों भेजा खराब कर रही है, जा धंधे पे लग। ए रोशनी, सुना नहीं तूने क्या? ये क्या नाटक बाजी लगा रखी तूने है? ए, रोक क्यों मारता है, जोरू नहीं हो तेरी? अरे जा जा, भेजा मत खराब कर, धंधे का टाइम है, चल चलो ए, निकल। हाँ भैया, क्या हाल है? राम राम बिल्ली भैया, कैसन हो? चकाचक। अरे बस ऊपर वाले की दया है भैया। तो फिर लगाई दे बनारसी 120, कच्ची सुपारी, लौंग, इलायची, पिपरमेंट वाला। बस जरा सी खुशबू और डाल देना। हेलो भैया, खुशबू भी डाल देते हैं। ये लो खुशबू। आज तो कोई यहाँ आया ही नहीं। लो भैया बिल्लू बाजा। अरे वाह। ए चल कहीं और जाकर अपनी दुकान लगा, चल। ए चिकने, चलता है क्या? क्या चलती है क्या? चल विराट। कर लो सबको, छोड़ना नहीं किसी को, जाओ जल्दी। अरे छोड़ दो। जो आदमी यहां खड़ा था कहां गया वो? मुझे कुछ पता नहीं साहब, सब मिले हुए। चल दुकान बंद कर, दुकान बंद कर। मैं तो बंद ही कर रहा था। बंद कर, चल। इन सबको सीधा नहीं किया ना तो मेरा नाम समीर पाठक नहीं। मैं भी देखता हूँ ये धंधा यहाँ कैसे चलता है। ए रुक, रुक, ए, रुक, कहाँ भागती है? रुक, ए, रुक, चल साहब के पास। छोड़ो मुझे। चल चल। चल। चलो। अरे, अरे चलो अंदर। चलो, एटो लाइन से। चलो बंद करो इनको, थाने ले चलो, चलो। चलो चल जल्दी। ए चलना, क्या देखती है? चल 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 अंदर, चल। साहब सबको हवालात में बंद कर दिया है और ये रहे उनके नाम और एड्रेस। गुड, और ध्यान रहे कल सुबह इन सबको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ठीक है साहब। ठीक है, ठीक है। बस इन सबको मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचा कर तुम्हारी ड्यूटी पूरी हो जाएगी।
कौन हो तुम? ए, कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम? धामले जी साहब, ये बाकी लड़कियां कहां गई हवालात से? बाकी लड़कियां? सभी लड़कियां तो यही है साहब। क्या बात है साहब? कुछ नहीं। वर्दी वाले लोगों को देख देख के अपना भी धंधा ना। तू इस वक्त यहाँ? सलाम प्रेम भाई। सलाम, क्या हुआ? प्रेम भाई, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़? पुलिस की धाड़ पड़ी और हमारी सारी लड़कियों को उठाकर ले गई। उल्लू के पट्टे, तू यहाँ झक मारने आया? रोका क्यों नहीं तूने? कैसे रोकता प्रेम भाई, वो नया इंस्पेक्टर आया है ना। तो थाने जाकर उसे बात करनी चाहिए थी ना। वो किसी की नहीं सुनता, वो खाने पीने वाला आदमी नहीं। कितनी लड़कियां थी? हमारे इलाके की 10। और उसने कहा है आज के बाद इस इलाके में धंधा बंद। प्रेम भाई, जब तक आपका हाथ हमारे सर पर है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके लिए स्पेशल पान लाया हूं। अच्छा प्रेम भाई, चलता हूं, खुदा हाफिज। धंधा बंद करेगा, देख लूंगा उसे भी। बार बार मुझे दिखाई दे रही है, क्या चाहती है मुझसे? कहीं ये सब मेरा वहम तो नहीं? ये वहम कैसे हो सकता है? लेकिन अगर ये सच है तो वो मेरे सामने क्यों नहीं आती? मेरे साथ ये लुका छिपी का खेल क्यों खेल रही है? समझ में नहीं आता हो रहा है ये सब। कभी दिखती है, कभी गायब हो जाती है, फिर अचानक दिखती है, फिर गायब हो जाती है। रोशनी, we'll be right back.
हेलो। हाँ साहब, मैं दामले बोल रहा हूँ। हाँ बोल दामले, क्या बात है? साहब, आज जो लड़कियों को धाड़ मार के थाने लाए थे, उसमें से एक लड़की बेहोश हो गई है। उसका नाम है रोशनी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओके साहब। क्या हो गया इसको? तबीयत खराब हो गई लगता है। क्या हुआ रोशनी? वो किधर है? कौन वो? वो औरत इधर थी। कौन सी औरत? लगता है इसने कोई सपना देखा है। हाँ तुम ठीक तो हो ना? सिर में दर्द हो रहा है क्या? लगता है ठीक है। अरे क्या हुआ? होश में तो आई। ओके ठीक है। हाँ दामले, क्या हुआ उस लड़की को? अभी तक तो ठीक थी साहब, शायद डर के मारे बेहोश हो गई। हो सकता है उसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो। वो पहले भी यहाँ 2-3 बार आ चुकी है। अच्छा, एक काम करो, उसे यहाँ लेकर आओ। ठीक है साहब। ए चल, तुझे साहब ने बुलाया है। क्यों बुलाया? क्या बात है? साहब, यही है वो लड़की। क्या हुआ तुझे? जी कुछ नहीं। दामले एक काम करो, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। जी नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है साहब। और फिर बेहोश कैसे हो गई? साहब वो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो। दामले तुम जाओ। ठीक है सर। देखो तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी कहो, मुझे तुम जैसी लड़कियों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन साहब उसे बहुत हमदर्दी थी हम सब से, जिसे देखकर आज मैं डर गई। क्या मतलब? पता नहीं साहब, आप मेरी बात का विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन मैंने अपनी खुली आंखों से उस औरत को हवालात के अंदर आते हुए देखा। तुमने किसी को हवालात के अंदर आते देखा? इसका मतलब तुमने कोई सपना देखा है? नहीं साहब, आप मेरा यकीन करो साहब, वो औरत हवालात के अंदर एकदम हवा के झोंके की तरह आ गई। उसका सुंदर सा चेहरा, गोरा रंग, लाल रंग की साड़ी, साहब मैं उस समाज सेविका ममता हरी सिंह को कैसे भूल सकती हूँ? ममता हरी सिंह? जी साहब, ममता हरी सिंह। अरे यार जल्दी चलो यार, बहुत देर हो रही है। ए हीरो चल मेरे तरफ तो देख। अरे छोड़ पागल है वो, चल। क्या नाम है तुम्हारा? क्यों, आप उनका नाम जानने का तुमको क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत है इसलिए पूछ रही हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? देख भाई, तुम जाओ यहाँ से, ये आप उनके धंधे का टाइम है। छी, कितनी गंदी बात कर रही हो तुम। अरे औरत होकर औरत जात को इतने नीचे मत गिराओ कि वो धंधे की चीज बनकर रह जाए। बहुत दिन से तुम लोगों को यहाँ देख रही हूँ, अब ये गंदगी यहाँ और नहीं चलेगी। ए भाई क्यों दिमाग चाट रही है? तुमको पता नहीं है हमको हमारे मालिक को हर दिन कम से कम 1,000 रुपए कमा कर देना पड़ता है। क्या? और नहीं दिया ना तो? तुम्हारा मालिक कौन है? ए बिल्लो जरा आके समझाए इसे, भाषण देती है। अरे ऐसे एक दो और आगे ना तुम्हारा धंधा तो हो चुका, खाली पीड़ित दिमाग चाटती है। ए मैम साहब, क्या चक्कर है?
तुझको भी इस धंधे में आने का क्या? क्या? तेरी तो उम्र ही निकल गई। नीच, ज़लील, तुम जैसे आदमी ही औरत को इस पेशे में लाते हैं। इस गंदगी की जिम्मेदार तुम। वो समाज सेविका ममता हरि सिंह इस समाज से इस देह व्यापार को इस गंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती थी। मैं उसे एक बार और मिली थी, बस फिर मैंने उसे कभी नहीं देखा। और फिर आज वो इस तरह आ गई हवालात में, बिल्कुल हवा के झोंके की तरह। मेरी समझ में कुछ नहीं आया साहब, मैं डर गई थी और इस बात को सोचकर मेरा शरीर अब तक डर से कांप रहा है। देखो, तुमने कुछ नहीं देखा है। तुम पर उस औरत की मुलाकात और बातों का बहुत गहरा असर हुआ है। इतना गहरा कि तुम उसे अपने ख्वाबों और ख्यालों में महसूस करने लगे हो। लेकिन उसने जो कुछ कहा था सच कहा था। तुम उसकी बातों में ज्यादा गौर करो और अपने आप को बदलने की कोशिश करो। इस घिनौने और अपमानजनक धंधे को छोड़कर इज्जत की रोटी कमाओ, ठीक है? हवालदार जी साहब, इसे लेकर जाओ। चलो। रोशनी, तुमने जो कुछ भी कहा है ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, फिर भी मैं तुम्हारी बातों का अपने भ्रम के साथ रिश्ता नहीं जोड़ पा रहा हूं। ये भ्रम नहीं, ये सच्चाई है। ए, रुक! रुको! ए, रुक जाओ! अगर तुम अभी नहीं रुकी तो मैं गोली मार दूंगा। क्या तुम ही ममता हरि सिंह हो? हाँ, मैं ही ममता हरि सिंह। तो देखो, अपने ये जादू टोने और हिप्नोटिज्म का खेला बंद करो। मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। खेल तो तुम पुलिस वाले खेलते हो। कैसा खेल? ये जो लड़कियों को तुम पकड़ कर लाए हो, ये खेल नहीं तो और क्या? ये खेल नहीं है। मैं कल सुबह इन सबको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने वाला हूँ। और कल या तो मजिस्ट्रेट उन्हें छोड़ दे या 10-20 रुपए उन पर जुर्माना हो जाएगा, या फिर इनसे धंधा कराकर लाखों रुपए कमाने वाले इनकी जमानत दे और ये फिर से धंधा करने लगेगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन मैं भी कसम खाकर आया हूं कि इस पूरे इलाके से इस गंदगी को साफ कर दूंगा। कैसे करोगे? ज्यादा से ज्यादा तुम इस दलाल बिल्लू को गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन इससे गंदगी साफ नहीं होगी। इंस्पेक्टर समीर, तुम्हें घिन नहीं आती? आज के इस एडवांस जमाने में भी औरत को अपना जिस्म बेचना पड़ता है, तो वक्त की रोटी के लिए। हाँ, घिन आती है और ये देखकर सर शर्म से झुक जाता है। लेकिन मैं समाज पर लगे इस कोड के दाग को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। मुझे भी ऐसा ही लगता था, इसीलिए इस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है। आज जिन लड़कियों को तुम पकड़ कर लाए हो, उसमें रोशनी नाम की एक खास लड़की है, जिसके जरिए तुम्हें पता चलेगा कि इस धंधे के पीछे कैसे कैसे गुनहगार लोग काम करते हैं।
थोड़ी देर पहले रोशनी तुम्हारे बारे में ही जिक्र कर रही थी क्या? हाँ, जिस जगह से तुमने रोशनी को पकड़ा था उसी जगह एक दिन तुम्हारा भाव क्या है? क्या मैंने पूछा तुम्हारा भाव क्या है? क्या बकवास कर रहे हो? ओह, तो आजकल धंधे वालियों ने कॉलेज की लड़कियों की तरह बुक रखना शुरू कर दिया है। क्या कहा तूने? देखो, क्या बात कर रहा था तू इससे? देखिए, आप गलत समझ रही हैं। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, ये मेरी बहन है। आपकी, माफ कीजिएगा, आपकी बहन यहाँ क्या कर रही है? ये तुम्हारे बाप की सड़क है? नहीं, जो ये तुमसे पूछकर खड़ी हो गई यहाँ? नहीं, आप फिर गलत समझ रही हैं। वो देखिए, वो एक कतार में 5 लड़कियां हैं, वो क्या कर रही हैं? माफ कीजिएगा, मैं इसी धोखे में आ गया था। अरे, अब तो पता लगाना भी मुश्किल हो गया है कि इनमें शरीफ लड़की कौन है और धंधे वाली कौन है। खोट इन लड़कियों में नहीं, खोट तुम जैसे लोगों में, जो इन्हें ये सब करने पर मजबूर करते हैं। अब आप यहां से जाते हैं या? माफ कीजिएगा। चलो, अब तुम बस से कहीं नहीं जाओगे, ट्रेन से जाओगे। वो पहला दिन था जब मैंने देखा प्रोस्टिट्यूशन का धंधा ब्रॉथल से निकलकर सड़कों और गलियों पर आ गया है। अगर जिस्म फरोशी का यह धंधा इसी तरह चलता रहा तो किसी भी घर की बहू और बेटियों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इंस्पेक्टर समीर, एक दिन मेरी बहन बाजार से नाश्ता लाई थी, वो जिस अखबार के टुकड़े में लिपटा हुआ था उस पर एक लड़की की तस्वीर। क्या हुआ दीदी? ज्योति, मैं अभी आती हूँ। दीदी, पहले थोड़ा पा तो खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। ज्योति, मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है, मैं आती हूँ। दीदी, आपकी सोशल सर्विस के चक्कर में तो आपका खाना पीना भी छूट गया है। किसी तरह आप ये मत भूल जाइएगा कि आपकी एक छोटी बहन भी है। आपको तो पता है ना, आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ, बाय। सुमित्रा, तुम सुमित्रा ही हो ना? मेरा नाम रोशनी है और मैं किसी सुमित्रा को नहीं जानती। ये तुम ही हो ना? मैं नहीं हूं। देखो, अगर तुम्हारे माँ बाप को इसके बारे में पता चल गया तो उन पे क्या गुजरेगी? देखिए, मेरा नाम रोशनी है और मेरे कोई माँ बाप नहीं है। आप जाइए यहां से। ए मैडम, क्या है? तुम कौन हो? मैं इसका गार्डियन हूं। क्या प्रॉब्लम है तेरे को? ओ, तो तुम इसके गार्डियन हो?
ठीक है, कोई बात नहीं। रोशनी को यहां से गायब कर दिया। ला भाई पान खिला। हाँ भाई, कैसा चल रहा है तुम लोगों का काम? मेरा काम कैसे चल रहा है? हाँ, और तू कैसा कर रही है काम? कुछ करो, ग्राहकों को फंसाओ, मुझे पैसा चाहिए पैसा। लो गाड़ी आ गई, जाओ बैठो। ओके, चलो। अरे MGR 2264 इंस्पेक्टर समीर, मैंने उस वैन का पीछा किया। वो वैन जिस जगह पर रुकी वहां एक बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग है एक भूल भुलैया है, जहां अगर कोई नया आदमी गया तो उसका बिल्डिंग से बाहर आना बहुत मुश्किल है। मैंने उस जगह को देखा है जहां इन लड़कियों से कमाया हुआ रुपया आता है। वो उनका कलेक्शन सेंटर है। भाई आज का कलेक्शन भिजवा रहा हूं, मगर भाई मार्केट में नया माल सप्लाई करना पड़ेगा। जी भाई जी। ये नया माल कहां से मंगवाओगे? कौन है तू? मेरा नाम ममता हरी सिंह है। ममता हरी सिंह, ये नाम तो सुना सुना सा लगता है। जब पुलिस की हथकड़ी तुम्हारे हाथों में पड़ेगी ना, तो मेरा चेहरा भी याद आ जाएगा। मुझे धमकी दे रही है? जानती नहीं पूरे इलाके में मेरी धाक है? अरे तू तो इस लायक भी नहीं कि तुझे फुटपाथ पे खड़ा कर सकूं। देखो, मैं तुम्हें यहां समझाने आई हूं। तुम या तुम्हारे ऊपर जो कोई भी है, फौरन ये काम बंद कर दो। तुम्हारे पास और कोई तरीका नहीं है पैसा कमाने का? वही है ना जो हमारे धंधे के पीछे पड़ी है। तूने बिल्लू को भी धमकी दी है ना? हाँ, और तुम भी अच्छी तरह सुन लो, बहुत जल्द तुम्हें इस शहर से अपना बोरिया बिस्तर बांधना होगा, क्योंकि मैंने कसम खाई है औरतों पर होने वाले अत्याचार को मैं खत्म करके रहूंगा। अरे, अरे अरे अरे, अब मुझे बराबर याद आया, तू तो वो समाज सेविका है ना। देख, हम लोगों से पंगा मत ले, तेरे समाज में और बहुत सारे काम है तेरे करने के लिए। और एक तरह से ये काम करके हम भी तो समाज की सेवा ही कर रहे हैं। बंद करो अपनी बकवास, औरतों को गाजर मूली की तरह बेचते हो और कहते हो कि समाज की सेवा करते हो। मैंने भी अगर तुम लोगों का ये धंधापन नहीं करवा दिया ना, तो मेरा नाम ममता हरी सिंह नहीं। याद रखना। बड़ी होशियारी से होना चाहिए, ठीक है? आप बेफिक्र रहें बिल्लू बादशाह, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही होगा। वो लड़की आ रही है, चलो बे लग जाओ काम पे। चलो देखते हैं। तो तेरी प्यारी प्यारी सूरत को
किसी की नजर ना लगे चश्मे बद। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी कहाँ है? हम तो आपके हुस्न की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, और ये क्या पढ़ के आ रही हैं आप? भाई हमने तो जिंदगी में सिर्फ ढाई अक्षर पढ़े हैं। आप जानती हैं ढाई अक्षर किसे कहते हैं? प्रेम की। हाँ। ए, क्या हो रहा है? हाँ? ये लोग हमें तंग कर रहे हैं। क्यों बे? तुम लोग इसे तंग कर रहे हो? हाँ। ये लोग जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ए लड़की, अपनी बहन को जाकर कह देना कि हमारे रास्ते में टांग ना अड़ाए, वरना जो तेरे साथ ये अभी हुआ है ना, ये तो एक ट्रेलर था, कहीं पूरी पिक्चर तुझे महंगी ना पड़ जाए, समझी? चल ये ले। क्या बिल्लू भाई, बस इतना ही करना था? हाँ, आज के लिए इतना ही काफी है। जितना हम लोग इन शरीफ लोगों से दूर रहें उतना ही अच्छा है, ताकि हमारा काम आसानी से चलता रहे। उसको ये मैसेज देना था, दे दिया। लो, तुम लोगों का आज का मेहनताना। चलो फुटो यहां से, चलो। वो लोग मुझे उठा के ले जाएंगे। नहीं, हिम्मत से काम लो। मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करूं। वो लोग क्या सोचते हैं, उसे डरा लेंगे? देखो ममता बहन, तुम रिपोर्ट लिखवाओगी, मैं रिपोर्ट लिखूंगा, लेकिन वो बड़े ही कमीने और बदमाश लोग हैं, उनके खिलाफ कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होगा। और तुम्हारे बहन को जिन्होंने भी छेड़ा है, वो लोग तो छूट जाएंगे और फिर तुम्हारे बहन के लिए नई मुसीबत खड़ी कर देंगे। देखिए इंस्पेक्टर सिन्हा, आप नहीं जानते ये लोग जिस्म फरोशी का धंधा करते। ये लोग मुझे डरा धमका कर इनके खिलाफ शिकायत करने से रोकना चाहते। मैंने आपको रोशनी के बारे में बताया था ना? रोशनी कहाँ है? रोशनी, देखिए ममता बहन, आप कुछ भी साबित कर नहीं पाओगे, बात वहीं की वहीं रह जाएगी और सबसे बड़ा नुकसान आपका ही होगा। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, पकड़ूंगा जरूर। कहाँ ढूंढूं मैं रोशनी को? इन लोगों ने रोशनी को कहाँ गायब कर दिया? कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर इतना तो तय है कि रोशनी होगी इसी शहर में, लेकिन इतने बड़े शहर में मैं उसे ढूंढूंगी कहाँ? कैसे ढूंढूंगी? कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा, करना ही होगा। ममता, तुम जिन लोगों से दुश्मनी मोल ले रही हो, शायद तुम नहीं जानती कि वो लोग कितने खतरनाक हैं। वो तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। उनसे तुम्हारी बहन ज्योति की जान को भी खतरा है। अगर हर इंसान यही सोचकर डरता रहा तो समाज में फैलते जहर को कौन रोकेगा? कौन रोकेगा ये सब?
तू है ममता, औरत दांत होकर भी बड़ी हिम्मत दिखाई तूने। तू हमारा धंधा बंद करवाना चाहती, लेकिन मत भूल कि ये धंधा कोई मामूली धंधा नहीं है। ये धंधा अब एक इंडस्ट्री बन चुका है, बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं। कुछ लोग लड़कियां उठाकर लाते हैं, कुछ उन्हें बहला फुसला कर लाते हैं, कुछ लड़कियों को शादी के सपने दिखा कर लाते हैं, और कुछ फिल्मों में काम दिलाने के बहाने लेकर आते हैं। देश के कोने कोने से लड़कियां यहां आती हैं। ये कारोबार बहुत बड़ा है और तू इसे बंद कराना चाहती है। ये कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि इसे चलाने में समाज के शरीफ और इज्जतदार लोगों का हाथ है। प्रेम, ये कुछ बोलना चाहती है? हाँ भाई, निकाल इसके मुंह से टेप। तो तुम लोग हो इस घिनौनी हरकत के करता धरता। ये पाप नहीं महापाप है, कुत्ते की मौत मरोगे तुम। हाँ, हम कुत्ते हैं और हड्डियां नोच कर खाते हैं। हाँ, और एक दिन कुत्ते की ही मौत मरेंगे, लेकिन जब तक वो कुत्ते जिंदा हैं जो बाजार में घूमते हैं और हमारे धंधे पर पैसा लुटाते हैं, तब तक हमारा धंधा फलता फूलता रहेगा। खैर, तू ये सब छोड़, तू तो रोशनी को उसका घर याद दिलाने के लिए आई थी ना। बुलाओ रोशनी को। देख इसे, देख और सोच कि हमारा नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। कोई हमारा बाल भी माका नहीं कर सकता। कितना ही मजबूत क्यों ना हो, तुम्हारा ये नेटवर्क खत्म होकर ही रहेगा। तुम्हें क्या लगता है ममता अकेली है जो इसके खिलाफ आवाज उठा रही है? नहीं, हर दिल में आग लगी है इस नर को खत्म करने के लिए। अगर तू मुझे मार भी देगा ना, तो कोई ना कोई ममता ही इस नर्क को बंद करेगी। रोशनी, तू जा यहां से। पानी सर से ऊपर निकल चुका है, इसे सजा देने का वक्त आ गया है। प्रेम, वैसे ये इस लायक तो है नहीं, लेकिन इसका मुंह बंद करने से पहले अपनी फैक्ट्री के भेड़िए इस पर छोड़ देना। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, 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 तू ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, नहीं। वो चार बड़े खूंखार आदमी थे, उन लोगों ने मेरे हाथ पांव खोल दिए थे। मैं जानती थी
मैं उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती थी, फिर भी पता नहीं कहां से मुझ में इतनी शक्ति आ गई थी। मैंने उन लोगों को उनकी मनमानी नहीं करने दी। वो आदमी क्या थे? वहशी दरिंदे थे। उनमें से एक ने गुस्से में आकर मुझे दीवार पर दे मारा। यानी कि तुम? हाँ, मार डाला गया मुझे। नहीं, तुम मुझसे डरो मत। ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन मेरी लाश बहुत बुरी हालत में आज भी सोना पहाड़ियों के नीचे पड़ी हुई है, जहां कोई आता जाता नहीं। मैं बार बार तुम्हारे पास आती हूँ, गायब हो जाती हूँ। ये जादू टोना नहीं, आत्मा की अशांति है। मैं तुम्हारे पास बार बार इसलिए आती हूँ क्योंकि तुमने भी उसी काम का बीड़ा उठाया हुआ है जो काम मैं करना चाहती थी। इंस्पेक्टर समीर, ये बात समझ लो, जितना जिस्म बेचने वाला गुनहगार होता है उससे ज्यादा गुनहगार जिस्म खरीदने वाला। जिस्म बेचने वाला मजबूर होता है और खरीदने वाला ताकतवर, और इनसे कहीं ज्यादा गुनहगार वो होता है जो जिस्म बेचने का व्यापार करता है। कितने दुख और हैरत की बात है कि आज की दुनिया जब चांद और सितारों को छूने की बात कर रही है, हम दो वक्त की रोटी के लिए एक औरत को जिस्म बेचने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन ममता जी, आपने इतनी भयानक बात बताने के लिए इतनी देर क्यों लगा दी? जब आप पहली बार मिली थी तभी क्यों नहीं बता दिया? इस बीच मुझे वहां भी तो जाना पड़ता है जहां ज्योति को रखा गया है। मुझे उसकी भी तो जान बचानी है। ज्योति? मेरी छोटी बहन ज्योति, वो लोग उसे भी तो उठा कर ले गए। ये माफिया जब किससे बदला लेता है ना, तो उसे पूरी तरह तबाह कर देता है। मैं इसीलिए वहां जाती हूँ। मेरा खौफ, मेरा भय उन्हें रोके हुए है। पर अगर ज्योति को वहां से नहीं निकाला गया ना, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैं उस जगह पर अचानक छापा मारूंगा और उनके खुफिया अड्डे को तबाह कर दूंगा। लेकिन मैं ज्योति को पहचानूंगा कैसे? इंस्पेक्टर समीर, बेबस और मजबूर अपनी पहचान खुद है। पता नहीं भूख और प्यास से उस लड़की की क्या हालत होगी। मैं चलती हूं। वो लड़की अपनी बहन ममता की तरह अपने इरादों में मजबूत है। हाँ मिलू साथ, हमारे इतने टॉर्चर के बावजूद भी वो लड़की हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। इतने साल हो गए तुम्हें मेरे साथ काम करते हुए, क्या एक कमजोर लड़की को भी अपने वश में नहीं कर सकते? कुछ करो, उसे टॉर्चर करो, कैसे नहीं आएगी हाथ में? नहीं मिलू साथ, ऐसी बात नहीं है। हमने तो उसे वो टॉर्चर दिया है कि उसके आगे अच्छे अच्छे झुक जाएं। मैंने उसे जलती हुई सिगरेट से जलाया है बिल्लू उस्ताद। क्या? हाँ बिल्लू उस्ताद,
अरे उसे इतना भी मत जला देना कि वो हमारे किसी काम की ना रहे। सचमुच ये ममता की बहन है, समाज सेविका ममता हरी सिंह। तू चिंता मत कर, मैंने इससे भी ज्यादा मजबूत इरादों वाली लड़कियों को पिघलते हुए देखा है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता बिल्लू उस्ताद, मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत देखी है। क्या सोच रहा है बिल्लू? सलाम प्रेम भाई। सलाम प्रेम भाई। सलाम प्रेम भाई। वो ज्योति है ना, हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। ज्योति? ये ज्योति वही है ना ममता हरी सिंह की बहन? हाँ प्रेम भाई, ममता हरी सिंह की छोटी बहन ज्योति। वो बड़ी तेज है, हमारे आदमी उसे इतना टॉर्चर कर रहे हैं लेकिन वो जरा भी टस से मस नहीं हो रही। अरे दो वक्त उसे खाना मत दो, खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। वो भी करके देखा भाई। क्या? हाँ प्रेम भाई, जब से हम उसे यहाँ लाए हैं यहाँ का खाना तो दूर, उसने पानी तक को हाथ नहीं लगाया। प्रेम भाई क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बिल्लू, सोच रहा था कि इसका इलाज क्या है। खैर कोई बात नहीं, तुम लोग अपनी कोशिश जारी रखो। ठीक है भाई। अच्छा बिल्लू, रोशनी की क्या खबर है? वो अभी थाने में है। वो मुझे भी मालूम है, लेकिन मैंने सुना है कि उसने इंस्पेक्टर समीर से अकेले में कुछ बात की। आप चिंता मत करो प्रेम भाई, वो अपुन के खिलाफ मुंह नहीं खोलेगी। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। ठीक है बिल्लू, तू उस पे नजर रख। अच्छा प्रेम भाई मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। ये ले, खाना खा ले। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं डालते? वो भी करेंगे, आज से तेरा सारा जादू टोना सब बंद, आज तू बिल्कुल नहीं बचेगी। मुझे सिगरेट समझ जाला ना। तुम लोग पैसे मेरी पीठ छल्ली कर चुके हो और कितना अत्याचार करोगे, तुम लोग मुझे जलती हुई चिता में क्यों नहीं डाल देते? फिर शुरू हो गया इसका काला जादू, ये तमाशा तो हम रोज ही देखते हैं। ये तो अजीबोगरीब आवाजें भी निकाल रही है, बड़ी खूबसूरत जादूगरनी है ये। लेकिन ये बिजली की रोशनी कहां से आ रही है? Thank you.
मैं बताती हूँ ये बिजली की चमक कैसे दिखाई दे। हाँ मैं मर चुकी हूँ लेकिन मेरी आत्मा जिंदा है और तुम जिंदा हो लेकिन तुम्हारी आत्मा मर चुकी है। और क्यों ना हो, जो आदमी अपनी माँ बहन और बेटी के शरीर को बेचने के धंधे में लगा हो उसकी आत्मा जिंदा कैसे रह सकती है। सिगरेट पी रहे थे ना तुम लोग, पियो। तेरे शरीर में याद है तूने किस तरह मुझे उठाकर दीवार पर दे मारा था, याद कर। नहीं जानता ना कितनी तकलीफ कितना कष्ट हुआ होगा मुझे। नहीं मुझे मत मार, मुझे मत मार। क्या हो रहा है यहां पे? ये कैसा शो? तुम लगता है यहां बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तुम लोग ये काम करो। प्रेम भाई बिलू, क्या हुआ बिलू? तू इतना घबराया क्यों है? भाई पुलिस की यहां धाड़ पड़ी है। हाँ भाई पुलिस यहाँ कभी भी पहुंच सकती है। अगर पुलिस ने लड़कियों को यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तू एक काम कर, लड़कियों को यहाँ से लेकर निकल, मैं पीछे के दरवाजे से निकलता हूँ। ठीक है? ठीक है। ए, चलो चलो जल्दी। पकड़ लो सबको। तेरा मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। ज्योति कहाँ है? ज्योति कहाँ है? मैं किसी ज्योति बोती को नहीं जानता। ऊपर कमरे में ले जाओ इसको। अंदर जी। आप समीर तुम इसे बचा लो, बहुत दिनों से इसने कुछ भी खाया पिया नहीं। ऊपर से इन जालिमों ने इसे बहुत यातना दी है, सिगरेट से इसके पूरे शरीर को जला दिया है। अगर तुम देखोगे ना कांप जाओगे। ममता जी
आप चिंता मत कीजिए, ज्योति अब मेरी हिफाजत में है। धन्यवाद समीर। तुम ज्योति को संभालो और मैं देखती हूं आज के रावण प्रधान को। हमारे खुफिया अड्डे पर पुलिस की थाल पड़ी। तुम्हें क्या लगता है प्रेम, पुलिस को खबर किसने दी होगी? भाई ये तो पता नहीं, पर भाई कुछ दिनों से उस अड्डे पर कुछ अजीब सी वारदातें हो रही हैं। अजीब सी वारदातें? कैसी वारदातें? भाई कभी कभी अपने आप चीजें हवा में उड़ने लग जाती हैं, कहीं भी अपने आप आग लग जाती है। और सबसे बड़ी और अजीब बात कि मैंने अभी अभी वहां ममता हरी सिंह को देखा। प्रेम, डर के मारे तेरा दिमाग फिर गया है। प्रेम कैसी पागलों की तरह बातें कर रहा है? अरे बेवकूफ, मरा हुआ इंसान भी कभी किसी को दिखाई देता है? ये बकवास बंद कर, हमें अभी इसी वक्त ये जगह छोड़कर निकलना है। और सुन, मैं निकलने की तैयारी करता हूं, तू बाहर जाकर देख कोई खतरा तो नहीं है। ठीक है भाई। अबे ठीक है के बच्चे, ध्यान से देखना, देखना कहीं पुलिस ने हमें पकड़ने के लिए कोई चाल तो नहीं बिछाई, और उसकी खबर मुझे कर। जी भाई। जीने का कोई हक नहीं। मुझे माफ कर दो,
एक बार मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। चल भाग यहां से। मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। साहब ये क्या जुल्म है, आपने सारे लड़कियों को छोड़ दिया फिर मुझे क्यों रोक के रखा? कुछ पूछने के लिए रोशनी, तुम ममता हरि सिंह को जानती थी ना? हाँ साहब। जिस रात उनका कत्ल हुआ तुम वहीं थी, हालांकि वो तुम्हें बचाना चाहती थी लेकिन तुमने उनका ही कत्ल करवा दिया। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया उन लोगों ने किया। अरे मैं तो खुद ही उन लोगों की कैद में थी। हाँ ये बात सच है, जो कुछ भी हुआ मेरे सामने हुआ, लेकिन मैं अगर उनके खिलाफ मुंह खोलती तो वो लोग मुझे मार डालते। देखो तुम्हारे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे बता दो कि प्रधान कहाँ रहता है। बताती हूँ साहब, सब कुछ बताती हूँ, लेकिन उन लोगों को पता चल गया तो वो मुझे ही मार डालेगा, वो बड़ा ही खतरनाक आदमी है। देखो रोशनी, कोई भी अपराधी कानून से बड़ा नहीं होता। मुझे बताओ कि वो कहाँ रहता है। देर क्यों कर दी? भाई बाहर चारों तरफ पुलिस है। पुलिस है? तुझे देखा तो नहीं अंदर आते हुए? हाँ भाई देख लिया। नमक हराम, मैंने कहा था अगर पुलिस देख ले तो अंदर मत आना। आ, 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 आ,
जिंदा होती तो यहां कभी नहीं आती। ममता हरिसिंह? हाँ, मैं ममता हरिसिंह। तुम तो मर चुकी हो ना? मर चुकी नहीं, मार दी गई हूं। मैं अपना काम अधूरा छोड़ गई थी, इसलिए आत्मा बनकर भटक रही हूं। तुमने कितनी गरीब बेबस बेसहारा औरतों की इज्जत आबरू लूटकर ये रुपया कमाया है, इसका हिसाब दे सकोगे मुझे? वो सारा रुपया सूटकेस में है, तुम इसे ले लो, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? अपनी पाप की कमाई का अंजाम नहीं देखेगा तू? तुझे भी लगाऊंगी मैं, तेरी चिता तैयार करती हूं मैं। क्या? अरे तू तो अपने आप को बहुत खूंखार खतरनाक गुंडा समझता है, लोग तुझसे डरते हैं, तेरे नाम से कांपते हैं। तू जब पकड़ा जाता है तो तेरे खिलाफ वो गवाही नहीं देते, इसीलिए तू मनमानी करता है। तेरी वजह से मेरी जिंदगी मुझसे छिन गई। तू मेरी छोटी बहन को उठवाकर उस मंडी में बेचना चाहता था, कितना अपराध किया है तूने, एक एक का हिसाब करना मुझे बाकी है। तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो। नहीं, मैं तुझे गिरफ्तार नहीं होने दूंगी, क्योंकि तेरे खौफ की वजह से फिर तेरे खिलाफ कोई गवाही देने नहीं आएगा, और कानून की इस मजबूरी का फायदा उठाकर तू फिर छूट जाएगा। तेरी सजा तो तुझे मैं दूंगी। देखो देखो देखो, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं अपना पाप मानता हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। पूरी बिल्डिंग घेर लो, तुम लोग यहां से जाओ। ममता जी, आप? हां समीर, मैंने इसे मार दिया। इसने जितने भी पाप किए थे उसकी सजा सिर्फ एक ही थी, सजाए मौत। मेरा काम पूरा हो गया, मुझे इंसाफ मिल गया। ज्योति कैसी है? वो ठीक है, मेरी माँ उसकी देखभाल कर रही है। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, उसका ख्याल रखना। नहीं ममता जी, ज्योति अब अकेली नहीं, मैं उसके साथ हूं। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? बस अब एक आखिरी प्रार्थना है, इस समाज में अब कोई भी प्रेम या प्रधान जैसा इंसान पैदा ना करो। ममता जी, आप चिंता ना करें, आपके मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। अब जब तक इस शहर में मैं जिंदा हूं तब तक देह व्यापार नहीं होगा। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी आत्मा को शांति।